पछतावा होता है तो आपको जिंदगी से कुछ नहीं मिलेगा। पर्सी रॉस, आस्क फॉर द मून एंड गेट इट, द सीक्रेट टू गेटिंग व्हाट यू वांट बाय नोइंग हाउ टू आस्क, इस बुक के ऑथर थे। वो पैसा देने में विश्वास रखते थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में 30 मिलियन डॉलर लोगों को दिए थे। साथ ही रॉस एक न्यूज़पेपर कॉलम थैंक्स अ मिलियन के राइटर भी थी। इस कॉलम में दुनिया भर से लोग लेटर्स भेजा करते थे और रॉस उनकी मुश्किलों का हल ढूंढने की कोशिश करते थे। उनके पास एक ऐसा हुनर था जिससे कि वो झूठे और सच्चे लोगों में फर्क पहचान लेते थे। जब रॉस एक लेटर पढ़ते थे तो समझ जाते थे कि वो इंसान झूठ बोलकर पैसे मांग रहा है या उसे सचमुच पैसों की जरूरत है। इस कहानी की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब रॉस ने पैसे देना शुरू किए तब उनके पास ज्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे। शुरुआत में उनके पास सिर्फ 2 मिलियन डॉलर थे, लेकिन जितने ज्यादा पैसे वो देते गए उतना ज्यादा पैसा उनके पास आता रहा। अपने काम के दौरान रॉस हफ्ते में 120 बार चेक काटते थे। 17 साल में उन्होंने लोगों को 30 मिलियन डॉलर दे दिए। रॉस का दिल बहुत बड़ा था और वो पैसे देने में हिचकिचाते नहीं थे। वो अच्छे इरादे के साथ खुलकर लोगों को पैसे देते थे। वो गिविंग रिसीविंग के लॉ में विश्वास रखते थे। कभी कभार आपके सामने एक बहुत मुश्किल डिसीजन आता है, जैसे कि जब कोई चैरिटी आपको डोनेशन देने के लिए बोलती है और आपके पास खुद का पैसा नहीं होता। ऐसे समय में आप सोच रहे होते हैं कि आपके पास पैसे नहीं है तो क्या आपको बचे हुए पैसे भी दे देने चाहिए या नहीं। अगर आप बचे हुए पैसों को भी चैरिटी में देने का फैसला करते हैं तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आपके दिए गए पैसों के बदले में आपको बहुत पैसा मिलेगा। ऐसे कितने ही लोग थे जिनके साथ यही चीज हुई और उन्हें बदले में बहुत सारे पैसे और बोनस मिले हैं। आपको कभी भी अपना पैसा किसी को देते वक्त हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि आखिर में आपको उससे भी काफी ज्यादा पैसा मिलेगा। अब पर्सी रॉस इस दुनिया में नहीं है और इस दुनिया को उनके जैसे ही इंसान की जरूरत है। क्या पता वो इंसान आप भी हो। नेक्स्ट चैप्टर है, व्हाट इज ट्रू गिविंग और डू यू हैव एन इक्वेशन मेंटेलिटी। डॉक्टर पॉल हारोटोनियन जो के बहुत अच्छे दोस्त थे। एक बार पॉल ने जो को बताया कि उनके लिए ट्रू गिविंग यानी सच में कुछ देने का मतलब क्या है। ये एक ऐसा लेसन था जिसे तो कभी नहीं भूल पाए। पॉल ने समझाया कि कुछ लोग एक इक्वेशन बनाते हैं। वो मानते हैं कि अगर उन्होंने पैसे दिए हैं तो वो पैसे दुगने होकर वापस मिलने चाहिए, इसलिए जब भी वो पैसे देते हैं उसके बाद वो पैसे आने का इंतजार करने लग जाते हैं। ट्रू गिविंग की असली डेफिनेशन है गुमनाम रूप से पैसे देना। अगर आप इसलिए पैसे दे रहे हैं क्योंकि आप मशहूर होना चाहते हैं तो आप गलत हैं। ट्रू गिविंग का असली मतलब है खुद को अच्छा महसूस करवाना। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरे लोगों का क्या रिएक्शन होगा। एक बार आपने पैसे दे दिए तो आपको क्या वापस मिलेगा उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, और ऐसा करने पर ही आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। पॉल अपने ऑडियंस को एक स्पेशल गिफ्ट देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जो से पूछा कि वो अपने न्यूज़लेटर सब्सक्राइबर को क्या स्पिरिचुअल गिफ्ट दे सकते हैं। जो ने उन्हें एडवाइस दी कि उन्हें अपनी ई बुक स्पिरिचुअल मार्केटिंग का फ्री वर्जन उन्हें गिफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि पॉल हमेशा दिल से और अपनी खुशी से लोगों को दिया करते थे, इसलिए उनके सब्सक्राइबर्स उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करते थे। बिना कुछ किए ही उनके रीडर्स बढ़ने लगे। इसलिए अगर आप आर्ट ऑफ गिविंग का सचमुच फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको गुमनाम रूप से पैसा देना चाहिए। ध्यान रखिए कि ये सब आप मशहूर होने के लिए नहीं कर रहे हैं, बस जब आपका मन करे आपको किसी को पैसे दे देने चाहिए। अगर किसी सिचुएशन में पैसे देने से आपको खुशी मिलती है तो आपको वो जरूर करना चाहिए। डस फ्री हैव वैल्यू। फ्री शब्द का इस्तेमाल अक्सर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है। जब भी कोई कस्टमर फ्री का साइन देखता है तो भागता हुआ दुकान में आता है, लेकिन एक बार जब उन्हें फ्री प्रोडक्ट मिल जाता है तो उसके बाद वो आप पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। जब आप फ्री में कुछ देते हैं तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये चीज पसंद नहीं आती। जैसे कि जो कंसल्टेंट फ्री में सेशन देते हैं ज्यादातर उन्हें ज्यादा वैल्यू नहीं दी जाती। ऐसे ही ज्यादातर पेशेंट उन्हीं डॉक्टरों के पास जाते हैं जिनकी फीस बहुत ज्यादा होती है। इसलिए जब आप लोगों को फ्री में कुछ देते हैं तो वो उसकी कद्र नहीं करते। ज्यादातर जब आप लोगों को पैसे देते हैं तो वो आपका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उनके लिए पैसों की बहुत कीमत होती है। लोग पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। हम पैसे कमाने के लिए मेहनत
दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग अमीर होने के लिए जान की बाजी तक लगा देते हैं। साथ ही आप जब किसी को पैसे दे रहे हो तो आपको इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि वो उस पैसे का क्या करेंगे, भले ही वो फिर उस पैसे को जला ही क्यों ना दे, ये उनकी मर्जी है। आपको बस ये याद रखना है कि आप पैसे इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप देने से मिलने वाली खुशी को महसूस करना चाहते हैं। आप इसलिए पैसे दे रहे हैं क्योंकि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि यूनिवर्स आपको बदले में और ज्यादा पैसे दे, इसीलिए आपको इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई आपकी तारीफ कर रहा है या नहीं। एक बार जो ने अपने एक दोस्त को अपनी एक बुक का स्पेशल एडिशन दिया था, एक बहुत रेयर और महंगी कॉपी थी। जब उनका दोस्त जो से मिलने आया तब उसने वो बुक देखी थी और उसने कहा कि उसका भी यही बुक लेने का बहुत मन है। इसलिए जो ने अपने दोस्त से कहा कि वो इस बुक को ले सकता है क्योंकि उनके पास इसकी दो कॉपी है। उनका दोस्त सुनकर बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड हो गया। उसने बहुत बार जो का शुक्रिया अदा किया और वहां से चला गया, लेकिन उस दिन के बाद से वो आदमी जो से कभी भी कॉन्टेक्ट में नहीं रहा। शायद उस आदमी ने इस गिफ्ट की कदर नहीं की हो, क्या हो सकता है क्योंकि उसे वो बुक फ्री में मिल गई थी इसलिए उसकी अहमियत समझ में नहीं आई थी। ये भी हो सकता है कि शायद उनका दोस्त इतना महंगा गिफ्ट लेकर शर्मिंदा महसूस कर रहा था और इसलिए उसने सोचा कि वो जो को कभी अपना चेहरा नहीं दिखाएगा। लेकिन कारण चाहे जो भी था, ऐसा करना उसकी खुद की जिम्मेदारी थी। अगर जो को जिंदगी में दोबारा उस दिन को जीने का मौका मिलता तब भी उस दोस्त को वो बुक दे देते। क्यों? क्योंकि उस बुक को देने के बाद जो को बहुत अच्छा महसूस हुआ था। जो ने वो इसलिए दी थी क्योंकि वो सच में उसे बुक देना चाहते थे, इसलिए नहीं कि वो अपने दोस्त से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे या उससे कुछ अच्छा रिस्पॉन्स चाहते थे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 25 साल पहले जो एक ऑथर और पब्लिक स्पीकर बैरी नील कॉफमैन के फैन हुआ करते थे, जो उनकी बुक्स पढ़ा करते थे और उनके टेप्स को सुनते थे। इसलिए जो बैरी की कामयाबी में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते थे, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे क्योंकि वो दिल से बस उन्हें कुछ देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बैरी को $5 भेजे। उस समय जो के लिए $5 की बहुत ज्यादा अहमियत थी। उनका मानना था कि भले ही उस गिफ्ट से बैरी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा हो, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा करके बहुत अच्छा लगा था। समय बीतता गया और एक दिन जो और बैरी सेम कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे। कॉन्फ्रेंस की आखिरी रात सब लोग इकट्ठे होकर बता रहे थे कि वो कितना शुक्रगुजार महसूस कर रहे हैं। सभी एक सर्कल में बैठे थे और उन्होंने एक एक करके उस चीज के बारे में बताया जिसके लिए वो शुक्रगुजार है। ये गैदरिंग 3 घंटे तक चली। जब बैरी की बारी आई तो उन्होंने उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उन्हें सपोर्ट किया था। उसके बाद उन्होंने स्पेशली जो की बात की और उन्हें याद दिलाया कि किस तरह जो ने उन्हें $5 भेजे थे। ये बात सुनकर जो काफी हैरान हुए। वो $5 देने से जो को बहुत खुशी मिली थी। बैरी को भी जब वो $5 मिले थे तो वो बहुत खुश हुए थे। इस बात का एग्जाम्पल है कि जिस शख्स को पैसे मिले थे उसने उन पैसों की कदर की थी। कभी कभार हम फ्री में पैसे या गिफ्ट दे देते हैं तो लोग उनकी कदर नहीं करते, और कई बार करते हैं। इसलिए इस चीज का हम पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। आप चीजें सिर्फ इसलिए देते हैं क्योंकि आप अच्छा महसूस करना चाहते हैं। इस चीज को कभी भी मत भूलिएगा। इसके बाद जो चैप्टर है वो है What to give when you don't have any money? पिछले चैप्टर्स में हमने पैसे देने की बात की थी, ये सोचकर कि हमारे पास देने के लिए पैसे हैं। लेकिन अगर आपके पास देने के लिए पैसे ना हो तो आपको क्या करना चाहिए? आपके पास जो कुछ भी है आपको वही देना चाहिए। उस लेवल पर पहुंचने के लिए जब आप लोगों को $1,000,000 दान करें, पहले आपको उतने पैसे कमाने होंगे। कभी कभार ऐसा भी होगा कि आप अपने पैसे चाहकर भी नहीं दे पाएंगे। तो अगर आपके पास कोई ऐसा स्किल है जो आप दूसरों को सिखा सके, या कोई बुक जो आप दूसरों को दे सके, यहां तक कि दूसरों को दुआएं देना हो, तो आपको हिचकिचाना नहीं चाहिए। 2 साल पहले तक जो बहुत सारे बिजनेस चला रहे थे, लेकिन उनके पास देने के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए जो ने पैसे देना बंद करने का फैसला किया, पर उन्होंने देखा कि जब से उन्होंने पैसे देना बंद किया था उनका बिजनेस और ज्यादा खराब होने लगा था। यहाँ तक कि वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो हमेशा उनके लिए काम करती आई थी उससे भी प्रॉफिट नहीं हो रहा था। एक्सपीरियंस से जो को जो समझ में आने लगा था कि वो जितना ज्यादा देंगे उतना ही ज्यादा उनके पास लौट कर आएगा। लेकिन अब जो के पास तो पैसे ही नहीं थे, उन्हें अपने और अपने एम्प्लॉयज के परिवार का पेट भी भरना था।
टेक्निक आजमाने की कोशिश की। पैसे देने के बजाय उन्होंने वो सब देना शुरू कर दिया जो वो दे सकते थे। कई बार वो फ्री एडवाइस देते थे और कई बार लोगों के लिए दुआएं मांगते थे। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप हमेशा कुछ न कुछ देते रहें। पैसा, सक्सेस और खुशियां कमाने के लिए आपको गिविंग और रिसीविंग के लॉ को एक्टिवेट करना होगा। कभी भी देना न भूलें, भले ही फिर वो दिन के कुछ कीमती मिनट ही क्यों ना हो। ये जो चैप्टर अभी अभी हमने पढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए अपनी लाइफ में, क्योंकि कई बार हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं होता और हम ये ख्याली पुलाव पकाते रह जाते हैं कि जब पैसा आएगा तब हम किसी की मदद करेंगे। मगर जैसा जो ने समझाया कि चाहे वो दिन के कुछ फ्री कीमती मिनट हो, या वो फ्री एडवाइस हो, या कंसल्टेशन हो, या जो कुछ भी आप सिखा सकते हो, वो देना शुरू करें। जीवन में आपके पास बढ़ता जाएगा। और इस लर्निंग को लेने के बाद बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। हाउ गिविंग मेड अ बुक नंबर वन बेस्ट सेलर। पिछले चैप्टर में हमने बदले में कुछ एक्सपेक्ट किए बिना चीजों को देने के इंपॉर्टेंस के बारे में जाना था। अगर आप गुमनाम रूप से कुछ देंगे तो यूनिवर्स खुद ब खुद आपको वो सब ला कर देगा जिसकी आपको चाहत है। माइक लिटमैन के न्यूज लेटर के काफी सब्सक्राइबर्स थे। वो हमेशा अपने रीडर्स के लिए ओरिजिनल कंटेंट लाते थे जो कि उनके रीडर्स को कहीं और नहीं मिल सकता था। उनकी एक अच्छी आदत थी कि वो हर हफ्ते अपने आप से तीन सवाल पूछते थे। पहला, वो खुद से पूछते थे कि वो अपने रीडर्स के लिए क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं। दूसरा, वो उन्हें और ज्यादा कैसे सरप्राइज कर सकते हैं। और तीसरा, वो अपने रीडर्स की जिंदगी में और ज्यादा वैल्यू एड कैसे कर सकते हैं। और इसी वजह से माइक के रीडर्स उनके काम से बहुत ज्यादा अटैच होने लगे थे। उनके लॉयल फैंस की फॉलोइंग बढ़ती ही जा रही थी और उन्होंने अपने रीडर्स को यूनिक कंटेंट देना कभी नहीं बंद किया। 2001 में माइक ने एक बुक लिखी, लेकिन जब उन्होंने इसे पब्लिशर को दिया तो वो उन पर हंसने लगे। उन्होंने माइक को बताया कि कोई भी कन्वर्सेशन विद मिलियनेयर्स के नाम की बुक नहीं पढ़ेगा, क्योंकि किसी को भी ऐसी चीजों की परवाह नहीं है। माइक और उनके को-ऑथर जसन ने फैसला किया कि वो अपनी नई बुक को खुद ही पब्लिश करेंगे। उन्होंने बहुत मेहनत की और सभी इंपॉर्टेंट स्टेप्स को फॉलो भी किया। एक बार जब उनकी बुक रिलीज हो गई तो वो खुद ही दंग रह गए थे। ये बुक अमेज़न पर नंबर वन बेस्ट सेलर बुक बन गई थी। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि माइक ने सालों की मेहनत से बहुत सारे लॉयल रीडर्स बना लिए थे। माइक और जैसन ने किसी भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अपनी बुक पब्लिश की और वो खुद ब खुद सक्सेसफुल हो गई। उन्होंने इस बुक से $31,000 कमाए। क्योंकि माइक को देना बहुत पसंद था, इसलिए उन्हें उम्मीद से ज्यादा वापस मिला था। पैसे और प्यार के अलावा माइक को नए दोस्त और कई नई अपॉर्चुनिटीज भी मिली। नेक्स्ट चैप्टर है हाउ गिविंग एंड स्वाइपिंग लेड टू पैसिव इनकम। कभी कभी जब आप किसी को कुछ देते हैं तो आपका गिफ्ट हमेशा के लिए यादगार बन जाता है, यानी वो उसे कभी नहीं भूलते। और ये भी हो सकता है कि आगे जाकर वो आपको उससे भी बेहतर गिफ्ट दें। लैरी डॉटसन एक बुक लिख रहे थे। जब उनकी ई बुक कंप्लीट हो गई तो उन्होंने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में सोचना शुरू किया। उन्हें काफी मुश्किल हो रही थी, उन्होंने ये चीज पहले नहीं की थी, इसलिए उन्हें इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं था। अब क्योंकि जो मार्केटिंग बुक्स में अच्छे खासे एक्सपर्ट थे, इसलिए लैरी ने उनसे मदद लेने की सोची। लैरी ने जो को एक ईमेल भेजा और उन्हें उस बुक का को ऑथर बनने के लिए पूछा। लैरी ने यह भी कहा कि वो अपना प्रॉफिट जो के साथ बांटेंगे। जो ने हाँ में भर दी और उस बुक में अपनी तरफ से भी काफी कुछ लिखा। साथ ही उन्होंने बहुत ही इंस्पायरिंग इंट्रोडक्शन भी लिखा। इस पहली बुक के पब्लिश होने के बाद उन्होंने साथ मिलकर 7 किताबें लिखी। उनकी पार्टनरशिप बहुत जबरदस्त साबित हुई। एक दिन जो ने हिप्नोटिक स्टोरीज के ऊपर एक बुक लिखने के बारे में सोचा। वो एक बहुत ज्यादा टैलेंटेड राइटर है और इस बुक को खुद भी लिख सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने लैरी को इस बुक का को ऑथर बनने के लिए कहा। क्यों? क्योंकि लैरी ने पहले उनसे यही पूछा था। लैरी ने जो को एक मौका दिया और बदले में उन्हें भी एक मौका मिला। दोनों ऑथर्स इन बुक्स की मदद से, जिन्हें उन्होंने इकट्ठे पब्लिश किया था, पैसे इनकम कमाकर अमीर हो गए थे। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने गिविंग और रिसीविंग में विश्वास रखा था। आपको खुले दिल से चीजें देनी चाहिए, वो भी बदले में बिना कुछ एक्सपेक्ट किए। क्या पता कि किसके दिमाग में आपकी दी हुई चीज बैठ जाए और वो बदले में आपको उससे भी ज्यादा वैल्यूएबल चीज वापस दे। आप जितना
जितना ज्यादा दूसरे लोगों को देंगे उतना ज्यादा लोग आपको याद रखेंगे और कुछ न कुछ आपको वापस देने की कोशिश करेंगे। सोचिए अगर आप इस दुनिया में 1 मिलियन लोगों की मदद करते हैं तो आपके पास कितना लौट कर आएगा, इतना कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और यही हमारा गोल है। Why giving is really hidden selling? Giving selling का एक छुपा हुआ साइड है। अगर आप कुछ बेचने की कोशिश करते हैं तो आप कभी भी 100% सेल रेट तक नहीं पहुंच सकते। यहां तक कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल मार्केटर और एंटरप्रेन्योर भी अपने प्रोडक्ट को हर किसी को नहीं बेच पाते। दुनिया में ऐसा कोई ना कोई जरूर होगा जिसे आपकी सर्विस या प्रोडक्ट पसंद नहीं आएगा, लेकिन जब आप कुछ फ्री में देते हैं तो उस चीज से कोई भी इनकार नहीं कर पाता। कभी कभार देने से आप इतनी सेल्स अचीव कर सकते हैं जितना कि किसी मार्केटिंग कैंपेन से भी नहीं हो सकता। जैसे कि ध्यान से सोचिए कि बॉडी फॉर लाइफ चैलेंजेस से सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ होगा। ये एक वेट लॉस कैंपेन है जिसे EAS फूड सप्लीमेंट बनाने वाली कंपनी ने शुरू किया था। शायद आप सोच रहे होंगे कि वो लोग जिनकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उन्हें सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। वो पहले बहुत ज्यादा मोटे थे, उन्होंने ये चैलेंज लिया जिससे अब उनका वेट बिल्कुल सही हो गया और वो खुश हैं। जब आप इन लोगों की पहले की और बाद की पिक्चर देखते हैं तो आपको बहुत गर्व महसूस होता है और आपको भी अंदर से मोटिवेशन मिलती है कि आप ये चैलेंज लें। इस चैलेंज में आपको एक तरह का वर्कआउट रूटीन फॉलो करना होता है और लो फैट डाइट 6 बार लेनी होती है, लेकिन इसमें आपको कंपनी के द्वारा बनाया गया EAS सप्लीमेंट भी लेना होता है। अब सोचिए कि इन EAS सप्लीमेंट को बेचकर कंपनी को कितना फायदा हुआ होगा। जो भी इंसान इस शो को देखता था वो सप्लीमेंट को खरीदना चाहता था और चैलेंज को ट्राई करने की कोशिश करता था। उनका मानना था कि ये कोई जादू जैसी चीज है जिससे उनका वेट कम हो जाएगा। अब आप सोचिए कि बॉडी फॉर लाइफ चैलेंज से सबसे ज्यादा फायदा किसका हुआ। सबसे ज्यादा फायदा सप्लीमेंट बनाने वाली कंपनी को हुआ। इस सप्लीमेंट को डायरेक्टली बेचने के बजाय उन्होंने एक अलग स्ट्रेटेजी अपनाई। इस कंपनी ने अपने कंटेस्टेंट को एक जिंदगी बदल देने वाला एक्सपीरियंस दिया और यही होती है असली मार्केटिंग। एक और एग्जांपल देखते हैं। जब जो हैनमॉक ने कॉपीराइटर के तौर पर काम करना शुरू किया तो उन्होंने कुछ सर्विसेज फ्री में दी। उन्होंने फ्री में लोगों के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉपीज लिखी जो ने सिर्फ टेस्टिमोनियल्स के लिए कई कंपनियों के लिए फ्री में काम किया। हो सकता है कि किसी और राइटर को भी फ्री में काम करने में ज्यादा दिक्कत ना हो, लेकिन जो के लिए ये एक सेलिंग स्ट्रेटेजी थी। वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपनी सर्विस बेच रहा था और सचमुच इन टेस्टिमोनियल्स की मदद से जो के पास बहुत सारे क्लाइंट्स आए जो बहुत मशहूर हो गए और दुनिया भर के लोग उनके साथ काम करना चाहते थे। शायद किसी और इंसान की नजर से देखा जाए तो ऐसा करके जो गलती कर रहे थे और लोगों ने जो का फायदा उठाया था, लेकिन जो सिर्फ लॉ ऑफ रिसीविंग को एक्टिवेट कर रहे थे और जब ये लॉ एक्टिवेट हो गया तो उन्हें ढेर सारी कामयाबी मिली। पर अब वक्त है कंक्लूजन का। हमें बचपन से ही यही सिखाया गया है कि एक बेहतर फ्यूचर बनाने के लिए हमें पैसे बचाने चाहिए। इस समरी में आपने सीखा कि पैसे कमाने का एक इफेक्टिव तरीका है और वो है पैसे देना। पहले आपने सीखा कि आपको हर दिन कुछ न कुछ देने की आदत बनानी होगी। बिना कुछ दिए आपको बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा। दूसरा आपने सीखा कि आपको पैसे देने को अच्छी फीलिंग के साथ जोड़ना होगा, तभी आपका लॉ ऑफ गिविंग एक्टिवेट होगा। आपको सिर्फ तभी कुछ देना चाहिए जब आपको उसे देते हुए खुशी महसूस हो। तीसरा आपने सीखा कि आपको उन लोगों को लेकर उदास नहीं होना चाहिए जिन्होंने आपके पैसे ले लिए हो। पैसा यूनिवर्स की तरफ से एक गिफ्ट है और किसी इंसान का उससे कोई लेना देना नहीं है। चौथी चीज जो आपने सीखी वो ये है कि किसी गरीब इंसान को पैसे देने से लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिवेट नहीं होता, क्योंकि आप वो पैसे इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको इंसानियत के नाते वो देने चाहिए। पांचवा आपने सीखा कि असली गिविंग पैसे या मशहूर होने के लिए नहीं की जाती, आपको खुशी के लिए पैसे देने चाहिए और आपको ये गुमनाम रूप से करना चाहिए। छठा और बहुत महत्वपूर्ण, कुछ लोग कोई चीज देने के बाद यूनिवर्स से बदले में कुछ पाने का इंतजार करते हैं। वो अपने हर स्टेप को कैलकुलेट करते हैं और इस तरह से लेन देन का हिसाब बनाने से रिसीविंग की पावर खत्म हो जाती है। आपको सिर्फ अच्छे इरादे के साथ पैसा देना चाहिए, वो भी तब जब आपको ऐसा करने से खुशी मिले। सातवां आपने सीखा कि कभी कभार जब आप दूसरों को पैसे दे देते हैं तो वो आपकी कदर नहीं करते।
इसलिए आप जिसे चाहें उसे पैसे दें और उनके रिएक्शन का आपके ऊपर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आठवां, आपको ये सीख मिली कि गिविंग की प्रैक्टिस को शुरू करने के लिए आपको बहुत सारे पैसे की जरूरत नहीं है, आप अपना समय, स्किल्स और नॉलेज भी दे सकते हैं। आखिरकार आपने ये सीखा कि मार्केटिंग कैंपेन बनाने के बजाय आप अपने कस्टमर्स को कुछ देने की कोशिश कीजिए। ऐसा करने से आपकी सेल्स और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब जब आप पैसा कमाने का असली राज जान चुके हैं तो आप बस देना शुरू करें और ऐसा हर दिन करें। आप जो दें उसे खुशी से दें और विश्वास रखें कि नेक भावना से किया गया कोई भी काम कभी खाली नहीं जाता। यूनिवर्स आपको उससे भी बढ़कर चीजें देती है। और इतनी बढ़िया बुक समरी मिलने के बाद नो डाउट हमें ऑथर का तो शुक्रगुजार होना ही चाहिए। वन आइडिया कैन चेंज योर